सबसे पहले मैं चमोली में आई आपदा में शहीद हुए हमारे उत्तराखंड पुलिस के दो जवान हेड कांस्टेबल प्रोन्नत मनोज चौधरी और कांस्टेबल बलबीर गढ़िया, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आप सभी अवगत हैं कि इस आपदा के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने, हमारी एसडीआरएफ ने उच्च कोटि का कार्य किया है जिसकी पूरे देश में सराहना हुई है। जो झील बनी है रैनी गांव के ऊपर 14,000 फुट की ऊंचाई पर, वहां पर भी पहुंचने वाली सबसे पहले हमारी एसडीआरएफ थी जिन्होंने वहां से लाइव वीडियो जारी किया। आज हम लोग इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हमने उत्तराखंड पुलिस का पहला महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है। उत्तराखंड की महिलाएं शुरू से अग्रणी रही हैं, हर फील्ड में अग्रणी रही हैं। मैं एसपी चमोली था उन दिनों से जानता हूं, उत्तराखंड आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसे में वो कहीं भी पीछे रहने वाली नहीं है, तो हमें उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त करने हेतु इस महिला दस्ते का गठन किया है। आजकल आप जानते हैं कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो भी अपनी कैडर्स में महिलाओं को शामिल करके उनका दुरुपयोग करती हैं, तो ऐसे नापाक इरादों को से लड़ने के लिए हमारा ये महिला कमांडो दस्ता यूजफुल होगा। इनकी ट्रेनिंग, प्री कमांडो ट्रेनिंग हमने एटीसी हरिद्वार में कराई थी जो 18 जनवरी से शुरू हुई और 8 फरवरी से इनको पीटीसी नरेंद्र नगर में इनकी ट्रेनिंग शुरू कराई। तब से वहाँ पर ट्रेन कर रही हैं। इनकी ट्रेनिंग में हमने अनआर्म्ड कॉम्बैट, रॉक क्लाइंबिंग, फायरिंग, बम डिस्पोजल, फर्स्ट एड, नेविगेशन, मैप रीडिंग, वीआईपी सिक्योरिटी, टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म, इन सभी को सम्मिलित किया है। आपको बता दूं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अलावा मात्र 3 राज्यों में, नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो दस्ते की उपस्थिति है। उस हिसाब से भी हमारे राज्य अग्रणी छोटा राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि हमने महिला कमांडो दस्ते को तैयार किया है। दूसरा आज का प्रदर्शन हम दिखाने जा रहे हैं आपको, चीता पुलिस को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उसकी लॉन्चिंग कराएंगे। चीता पुलिस पहले से हमारे प्रदेश में कार्यरत है, इसको थोड़ा और प्रभावी बनाने के लिए, और ज़्यादा संवेदनशील बनाने के लिए, और ज़्यादा इनकी कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए हमने ये मॉडल तैयार किया है। 1 महीने में 148 चीताकर्मी, जिसमें 118 पुरुष और 30 महिला हैं, उनको 1 महीने का प्रशिक्षण दिया है और इनको कैसे मौके पर जा करके साक्ष्य को संरक्षित करना है, पेट्रोलिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे हमें महिलाओं की, वृद्धों की, बच्चों की, उनकी सहायता करनी है, कैसे हमें भीड़ नियंत्रण करना है, कैसे हमें कम्युनिटी का सहयोग लेना है, और इस तरह के जो सभी जो इश्यूज हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, कैसे सीसीटीवी मॉनिटरिंग होनी है और इंक्लूडिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वो सब का इनको प्रशिक्षण दिया गया है। आने वाले समय में इनकी ट्रेनिंग में हमने अपने विभागीय प्रशिक्षक, फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट, अभियोजन विभाग के एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, इन सबको भी यूज किया है। इनको हम मॉडर्नाइज वो देंगे इक्विपमेंट, जैसे बॉडी वन कैमरा, टेक्टिकल बेल्ट, शॉर्ट रेंज आर्म्स। पहले सिटी पुलिसिंग में लॉन्ग रेंज वेपन लेके चलते थे हमारे जवान, आपने देखा होगा राइफल लटकाए हुए, तो हमने सिटी पुलिस से लॉन्ग रेंज वेपन को हटाने का निर्णय लिया है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में सिटी पुलिस में शॉर्ट रेंज वेपन आ जाएंगे। तो ये इनके पास MDT होगा, और जिससे कि पूरा का पूरा लाइव फीड जो है, जो चीता मौके पे जाएगी उसकी लाइव फीड हमारे कंट्रोल रूम में आएगी। तो ये हमारा टारगेट है कि इसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे और उत्तराखंड पुलिस को और ज़्यादा स्मार्ट, और ज़्यादा संवेदनशील, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। इनके अलावा हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जवान जो बैरकों में रहते थे
उनकी बैरकों की कंडीशन को हमने पूरे प्रदेश में सुधारने का निर्णय लिया है। उसमें से भी एक सैंपल बैरक आज माननीय मुख्यमंत्री जी को विजिट करवाएंगे और पूरे प्रदेश में हम अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बैरकों का अपग्रेडेशन करेंगे, जिससे कि उनकी रहन सहन की सुविधा अच्छी हो। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो जिन्होंने हमें निर्देशित किया महिला कमांडो दस्ते के गठन हेतु, और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड पुलिस दिन प्रतिदिन और ज़्यादा एक्टिव, स्मार्ट और मॉडर्न होती जा रही है। मैं उनका इसलिए भी आभारी हूँ कि हमारे 3000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, उत्तराखंड का नेशनल और स्टेट हाईवे 3000 किलोमीटर। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय आए थे, उन्होंने इन हाईवेज को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने हेतु हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 100 गाड़ियों के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। मुझे विश्वास है कि इसके साथ हमारा आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस और ज़्यादा अच्छे ढंग से उत्तराखंड के लोगों की सेवा कर पाएगी। पुनः आप सबका, जो हमारे बीच आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद।